गई सामने लड़ाई सामने लड़ाई 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 होगी लड़ाई होगी। Hey guys, good morning, welcome to my new vlog। तो guys, अभी जैसे उठा हूँ मैं, उठते मैं नहा के जल्दी से आया हूँ बिकॉज सोसाइटी के बाहर बहुत सारे सब्सक्राइबर आए। पापा जी बाहर गए थे तो पापा जी गए थे, दो तीन फैमिलीज आ रखी हैं। वैसे तो मैंने मना कर रखा कि सोसाइटी के बाहर मत आया करो, बट फिर भी काफ़ी लोग आते हैं मिलने के लिए। तो ना मैं घर में कुछ काम कर रहा हूँ या फिर मैं नहाया ना, मैं सोया हुआ हूँ, तो मेरे को ऐसे आना पड़ता है। तो गाइस प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सोसाइटी के बाहर इससे मत आया करो, बिकॉज गेट के बाहर सोसाइटी वाले बोल रहे कि गाड़ियाँ अंदर नहीं आ रही, गेट के बाहर पूरी भीड़ लगी पड़ी है। तो मैं जल्दी से जाता हूँ, फोटो वोटो खिंचवाता हूँ और फिर आता हूँ। तो भाई देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, आप पीछे पीछे हो जाओ, पीछे पीछे यहाँ पे रास्ता बना दो ना आने जाने का, सोसाइटी वाले आएंगे जाएंगे ना। आप पीछे पीछे हो जाओ, पीछे मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे रास्ता बना दो ना, रास्ता, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, जा रही है। हैदराबाद और लखनऊ, हैदराबाद और दिल्ली, नाइस टू मीट यू। गाइस ये अपना जैकेट खराब कर रहे हैं, देखो मैं तो मना कर रहा था इनको। तो भी गाइस सबसे मिल के आ गया हूँ, बहुत सारे लोग थे, मुझे बस एक रिक्वेस्ट करनी है आपको कि थोड़ा डिसिप्लिन में रहा करो, चिल्लाया मत करो एक तो, क्योंकि सोसाइटी वाले इरिटेट होते हैं ना, और मेन गेट के पास मत खड़े हो करो बिकॉज गाड़ियाँ आती हैं और सोसाइटी वाले आते जाते रहते हैं ना, तो उनको प्रॉब्लम होती है। और थोड़ा डिसिप्लिन में मैं मिल लूँगा, आप सबसे मिल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा पीछे की साइड खड़े रहोगे ना, नहीं सोसाइटी वाले फिर कंप्लेन करेंगे। आई नो आप लोग काफ़ी एक्साइटेड रहते हो मिलने के लिए, इसलिए सौरभ भैया चीखते हैं, लेकिन फिर भी यार सोसाइटी वालों को अच्छा लगता ना। चलो फिलहाल चलते हैं घर पर। और आज एक बात बढ़िया, धूप मस्त निकली है तो ठंड नहीं लग रही बिल्कुल भी, मस्त मौसम हो रखा है आज। ये देखो रूडो और सिंगल, ओरियो से मिलना है, ओरियो यहाँ भौंक रहा है, ओरियो यहाँ भौंक रहा है, रूडो स्नोई से मिलना है। और गाइस सभी के सभी देखो यहाँ बैठे हैं मस्त धूप में। सुबह आज हम बॉबी के घर जा रहे हैं। जय माता, जय माता रानी। यहाँ से ले रहे हैं गाइस सामने लड़ाई सामने लड़ाई 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 होगी, लड़ाई होगी, लड़ाई होगी। ओ भाई गिरा दियो, गिरा दियो, गिरा दियो, ओ भाई गिरा दियो, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई क्या हो गया भाई, भाई बच गए, बच गए, बच गए, ओ भाई ओ क्या हो रहा है भाई, ओ भाई चलो 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 चलो, गाड़ी को चलाना मत, ये करेंगे तो हाँ। वहीं रोक दियो गाड़ी को, भाई लड़ रहे हैं हम, कहीं जाना भाई, क्या दिक्कत है तुम दोनों को, बेचारे को मिल के मार रहे हैं ये दोनों, बेचारे को मिल के मार रहे हैं दोनों यार, क्यों मार रहे हैं बेचारे को, ये भी पड़ा है उसके पीछे। अरे यार गाइस अभी घमासान युद्ध हो गया था भाई, खतरनाक लड़ाई हो गई थी हमारी थार के आगे, मैं डर गया भाई एकदम से, भाई मैंने तो थार रोक ली थी, डेंजरस होता है काफी, वो देखते नहीं है फिर किसी को उड़ा देते हैं, जो उनके आ गया उसको उड़ा देंगे बस। पहुंच गए बॉबी भाई घर पे, अंदर 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 अंदर, बढ़िया गाइस घर तो पहुंच चुके हैं, अब गाड़ी पार्किंग लगा रहे हैं यहाँ पर। कैसे हो आप? बस बढ़िया, और भाई ये तो प्रॉमिस कर दिया था, मैं जल्दी आऊंगा कर दिया था बेटा, कल ही शुरू के जा रहे हो, अरे नहीं यार, मैं देखो ना, मुझे देखो, मैं नहीं खोलने कह रही हूं, तुम मत खोलना बच्चों, आओ आपके लिए भी ला दूंगा, टेंशन मत लो, नया घर बनने दो आपके लिए, आपको जो पसंद है आपको जैसा पसंद है वैसा सामान ला दूंगा आपके लिए, लाएगा फिर। और ये देखो दोनों के दोनों यहाँ की चीज छेड़ने लग गए, ये क्यूब छेड़ रहा है और ये पता नहीं क्या छेड़ रहा है, रियल वाला लाऊं आपके लिए, रियल वाला नहीं, रियल नहीं चाहिए। अरे अबे ये क्या कर रहा है ये, एक और उठा लाया, अरे चिड़ियाघर बना रहा टेबल पे। तो भाई इससे मिलो, ये है बानू, इसको ना चोट लगी हुई है इसलिए ये लगा रखा है, देखो ये रियल है, ये रियल है, इसको टाइम मत समझना ये। तो गाइस मेरे को जाना पड़ेगा हॉस्पिटल बिकॉज मेरा जुकाम बढ़ता है और सिर में दर्द भी हो रहा है जुकाम की वजह से, तो मैं जाता हूँ हॉस्पिटल, दवाई लेके आता हूँ दोबारा। तो भी गाइस बाहर से आवाज आ रही है चिल्लाने की, सौरभ जोशी, सौरभ जोशी, देखते हैं कौन है। तो वो भी घर के बाहर भी सब्सक्राइबर आए। अच्छा ड्राइंग बनाई है आपसे, सीखा शेडिंग करना, सच्ची बताओ, सच्ची मुझसे सीखा, मुझसे कैसे सीखा, आपने ट्यूटोरियल्स बनाए थे, थैंक यू, दिखा पकड़ना दूसरा, दिखते हैं, सही है भाई, कितना टाइम लगा बनाने में ये, मैंने देखा नहीं फिर भी कितना टाइम लगा, एक दो घंटे। गाइज ये हमारी आर्ट वाली ऑडियंस, बस ऐसी प्रैक्टिस करते रहो। तो चलो गाइज अब चलते हैं सीधा हॉस्पिटल, मैं दवाई लेके आता हूँ अपनी।
मेरी लिटरली हालत खराब हो चुकी है कोल्ड से। तो अभी वो भी घर से निकल गए, पहले तो अपनी दवाई लेके आता हूँ भाई। और गाइस दुबई जाना कैंसिल हो चुका है हमारा तबियत की वजह से, बिकॉज तबियत किसी की भी ठीक नहीं है ना। अगले महीने जाएंगे दुबई। तो अभी गाइस हॉस्पिटल पहुंच गए, मैं डॉक्टर को दिखा के लाता हूँ, अब गाड़ी में बैठ रहना। तो ये 7 दिन की दवाई ले आया मैं लोग। क्या करूँ, ठीक ही नहीं रहा तो खानी पड़ेगी ना। तो अभी गाइस हम आए यहाँ पे सूप पीने के लिए, तो सबके सब सूप पीते हैं फिर चलते घर, गर्म गर्म सूप पियेंगे ना। मम्मी जी डेट, मम्मी कभी डेट पे गए हो क्या शादी से पहले? डेट पे गए हो कभी? डेट डेट पता ही नहीं क्या होता है, ऐसे ही कॉफी वॉफी पे खाने पीने पे लड़की के साथ। आप गए हो? बात कैसे कर रहा हो? आप गए हो कभी? किसके साथ जाऊंगी मैं? शादी से पहले गए हो कभी? हम नहीं गए। नहीं गए? मम्मी आप भी नहीं गए? जा सकते हैं किसी के साथ? हाँ जा सकते हैं, जा सकते हैं। हाँ मेरी कुछ समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। मम्मी ये देखो ऐसे होती है डेट, गर्मा गर्म सूप आ चुका है गाइस, अच्छा होता है, मस्त है, पनीर भी है उसमें सब। गाइस मम्मी देखो कितने अच्छे, मम्मी ने मुझसे नहीं पूछा तू कभी डेट पे नहीं गया? किसी साथ जाएगा? बड़ी भी उम्मीद नहीं आपकी भी हो सकती है। उम्मीद नहीं आपको मुझसे? क्यों क्यों जाएगा तू? मेरा बेटा नहीं है तू? हैं? मेरा बेटा नहीं है तू, क्यों जाएगा किसी तो? बेटा नहीं हूँ मतलब, बेटा तो हूँ। गाइस मैं जाता हूँ डेट पे लेकिन मम्मी के साथ, चाची के साथ, तो मेरी डेट मेरी मम्मी है। तो गाइस कुनारी तो यहाँ पे डांस करने लग गया, सूप फिनिश मेरा भी, तो मस्त गर्मा गर्म सूप पी के आ गए, अब चलते हैं। क्या हुआ क्या हुआ, नहीं चढ़ पा रहे? नहीं चढ़ पा रहे? नहीं चढ़ पा रही। थैंक यू फॉर द सूप गाइस। क्या हुआ? बहुत अच्छा हो रहा था। सोसाइटी पहुंच चुके हैं, ये देखो घर आते सारे बैठ गए यहाँ पे आग के आगे। तो अब गाइस साहिल के हाल देखते हैं, क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया, मजा आ रहा है बेड पे? गाइस साहिल तो अपनी शक्ल ही नहीं दिखा रहा, देखो पता नहीं ऐसी कैसी शक्ल हो रखी है इसकी। तो साहिल को 3 दिन हो गए मेरे रूम में, अभी तक ठीक नहीं हुआ ये। गाइस इतना अजीब सा लग रहा है ना, दवाइयाँ देख के, इधर भी दवाइयाँ इधर भी दवाइयाँ। तो अभी डिनर आ चुका है, दाल रोटी। किसकी दवाई है? दवाई मेरी है। आपकी? आप कैसे खा लेते हो इतनी सारी? खा लेता हूँ मैं तो बस, मैं तो नहीं खा पाऊंगा। तो आप क्यों खाओगे? आप तो ठीक हो, आप ठीक ही रहना। चीज खाओगे बाहर की जो आप पैकेट खाते हो ना, वो सब चीजें मत खाना, नहीं तो आपको भी दवाइयाँ खानी पड़ेगी, फिर मेरी तरह दवाई खानी पड़ेगी। घर का खाओ, हेल्दी हेल्दी खाओ, ठीक है? और गाइस आप भी जितने बच्चे देख रहे हैं सब हेल्दी हेल्दी खाओ, नहीं तो मेरी तरह दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। देखो मैं महीने से दवाई खा रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग से ही हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, उल्टा सुल्टा खा के, लेट सो के, ज्यादा काम करके हेल्थ खराब कर ली मैंने। गाइस मम्मी कह रहे दवाई खाना बंद कर दे, ऐसा हो सकता है क्या? अब बॉडी को दवाइयाँ ही चाहिए, दवाइयों से उठ तो पा रहा हूँ, देखो एनर्जेटिक थोड़ा बहुत लग रहा है ना मुझे। अच्छा अच्छा, ये दवाइयों की वजह से ही है, इसलिए दवाइयाँ नहीं छोड़नी, जब तक प्रॉपरली ठीक नहीं होता तब तक दवाइयाँ नहीं छोड़ेंगे, दवाई खाते रहेंगे। तो भी गाइस यहाँ पे चल रहा है इंडिया का मैच और इंडिया जीतने वाली है, फाइनली सिर्फ 1 रन चाहिए, सिर्फ 1 रन, तो वो 1 रन भी बनने वाला है ये। अरे फेंकी नहीं बॉल भाई, 1 रन चाहिए, 1 रन चाहिए, बस 1 रन, 1 रन, ये जीत गई इंडिया, बधाई हो। फाइनली 4 विकेट से जीत गई है। तो अब दूध पीते हैं, तो भी एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मैं तो वैसे बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा दिन खराब चल रहे हैं, थोड़ी बॉडी में वीकनेस हो रही है, धीरे धीरे करके हो जाएगी ठीक। तो हाँ मैं अभी प्रॉपर अपने सब कुछ ठीक कर लूँगा मैं। तो हाँ मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। क्योंकि स्टार्टिंग से ही हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया उल्टा सुल्टा खा के।